फिल्म आदि पुरुष के स्टार प्रभास की कमाई करोड़ों में है। यही नहीं, वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्टार एक्टर में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास की फीस 150 करोड़ है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आदि पुरुष के लिए 150 करोड़ चार्ज किया है। इससे पहले भी उन्होंने साहो और राधे श्याम के लिए 100 करोड़ की फीस ली थी। खबर के मुताबिक प्रभास ने अपने पैसे से इटली में एक विला खरीदा है। एक रीजनल मीडिया हाउस के अनुसार प्रभास ने अपने पैसे को इटली में इन्वेस्ट कर एक लग्जरी विला खरीदा है। इस विला को प्रभास किराए पर दे रहे हैं। प्रभास ने अपने लग्जरी विला को टूरिस्ट और लोकल लोगों को किराए पर देने का फैसला किया है। इस विला का एक महीने का किराया 40 लाख रुपए है, यानी इतना कि आप भारत में 2 BHK फ्लैट खरीद सकते हैं। प्रभास अपने शूटिंग शेड्यूल को खत्म कर अपने दोस्तों के साथ इटली के इसी विला में छुट्टियां मनाने भी जाते हैं। वहीं भारत में भी हैदराबाद में प्रभास का लग्जरी घर है, जो काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाए गए हैं। प्रभास के पास आलिशान गाड़ियों का कलेक्शन भी है। प्रभास के पास रोल्स रॉयस, BMW और जगुआर जैसी लग्जरी कारें हैं। आपको बता दें, प्रभास बाहुबली फिल्म से पैन इंडिया स्टार बन गए हैं। इससे ना उसका स्टारडम बढ़ा है, बल्कि फीस भी काफ़ी अधिक हो गई है। प्रभास की आदि पुरुष विवादों के कारण कमाई में पीछे रह गई, लेकिन प्रभास के पास अपने स्टारडम को बनाए रखने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। प्रभास के पास अभी सरार और प्रोजेक्ट के जैसी फिल्में हैं, जिसका बजट 700 करोड़ है।